कर्मचारी यहाँ पे सभी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई डॉक्टर है, कोई एनएम है, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई फार्मासिस्ट है, हम सभी लोग डिग्री वाले लोग हैं। लेकिन आज हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पकोड़े बेच के। हम सब जगह गए, पकोड़े बेच के आए। हम ये बताना चाहते हैं कि अब हमारी हालत, हमारी सरकार ने ये कर दी है कि हम पकोड़े बेच के अपना जीवन यापन करें। हम इतनी कम सैलरी दे रहे हैं और यही सैलरी नियमित वालों को बराबर मिलती है, हम काम वही कर रहे हैं तो उसके बाद हमको इतनी कम सैलरी मिल रही है और हम ये पकौड़े बेचने पर मजबूर हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो ठीक है ना, हम पढ़े लिखे लोग हो के आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम पकौड़े बेचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो हमारा रियल काम है, जिस काम की हमने पढ़ाई करी है, उसका हमें मेहनताना और उसके हमें कब हमको सैलरी मिलेगी। देखिए, हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं, नियमितीकरण और निष्कासितों की वापसी। और प्रदर्शन आज हमने पकौड़े तल के किया है कि सरकार को मालूम पड़े कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमको पकौड़े तल के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और 5 रुपये प्लेट हमने कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ पकौड़े बेचे भी हैं। और मेरी सरकार, हमारा सरकार से सिर्फ ये अनुरोध है कि वो हमारी मांगे सुने, हमारी मांगे जायज़ हैं और हमको हमारी मांगों को माने। ये हमारा शौक नहीं है। हाँ, ये हमारा शौक नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।